साकार करें सपने अपने। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जय मैदान है और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो फैमिली गुरु पर। अब मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप इस दौरान, इस समय पर अपनी स्किन का, अपने फेस का ख्याल रख सकते हैं। आप लॉकडाउन में हैं, पूरी तरह से घर में हैं, लेकिन इस समय अपनी स्किन के लिए आप ऐसा क्या खास कर सकते हैं, आपको मैं बताने वाली हूँ। तो फिर चलिए देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं और बताती हूँ आप क्या क्या कर सकते हैं अपनी ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए। आप किचन में काम करते होंगे और कुछ फलों का भी इस्तेमाल करते होंगे, कुछ ना कुछ फल खा रहे होंगे, सलाद में खीरा खा रहे होंगे, केले खा रहे होंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हम जो अपनी किचन में यूज़ कर रहे हैं। इन चीज़ों को यूं ही मत फेंकिए, यही आपकी ब्यूटी का एक्चुअल सीक्रेट है। आपको पता है, बहुत सालों से, आप मानेंगे नहीं कि मैंने अपनी स्किन पर सोप किसी भी तरीके का नहीं लगाया। मैं जहाँ पर भी जाती हूँ, जब भी ट्रैवल करती हूँ, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे मिल्क पाउचेस होते हैं। आप होटल में जाते हैं तो मिल्क पाउचेस होते हैं ना, छोटे छोटे, शुगर होती है, कॉफ़ी होती है, ये हर होटल के कमरे में होता है। तो मिल्क पाउडर हमारी बॉडी को मॉइस्चराइज करता है, शुगर स्क्रब करती है और कॉफ़ी टैनिंग उतारती है। मैं इन तीनों चीज़ों को मिलाती हूँ और अपनी स्किन पर पूरी तरह से ये रब करती हूँ। साबुन का या शावर जेल का बहुत कम, ना के बराबर इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर अपने घर पर या जिम जाती हूँ, वहाँ पर जब मैं शावर लेती हूँ, तो मैं एक डिब्बी को रेडी कर अपने साथ में रखती हूँ। इस डिब्बी के अंदर आप वाटर मिला सकते हैं, हनी मिला सकते हैं, अलग अलग चीज़ें मिला सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, आइए आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके के कुछ पाउडर्स मैंने बनाकर अलग 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 रखे हुए हैं। इस पाउडर में थोड़ा सा आप देखेंगे तो स्क्रब करने के लिए काला तिल मिक्स किया हुआ है, थोड़ी सी हल्दी है और साथ में ऑरेंज, जो संतरा सूख जाता है, उसका पाउडर है। ये डिब्बी इस तरीके से रेडी रहती है। इस डिब्बी के अंदर पानी मिलाओ या थोड़ा सा दूध या दही मिलाओ और बॉडी पे स्क्रब कर लो। तो अगर आप इसको बाथरूम में ही रख देंगे तो किसी भी लिक्विड चीज़ को, जैसे पानी को, दूध को या दही को मिलाकर आप अपनी बॉडी पर स्क्रब कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आप किचन में काम कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, आप जैसे संतरा ले सकते हैं, इट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। संतरा आपकी स्किन को हमेशा जवान बनाए रखता है, आपको खूबसूरत बना सकता है। अपने संतरे को आप स्किन पर कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी एक एक चीज़ का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें पी सकते हैं, चलिए अब मैं आपको ये सब भी बताने वाली हूँ। आई एम श्योर आप नाश्ते में पपीता खाते होंगे, अंगूर खाते होंगे, केले खाते होंगे, खीरा खाते होंगे। नहाने वाली चीज़ों की बजाय हम क्या कर सकते हैं कि जब आप संतरा छीलते हैं तो इसके छिलकों को आपको फेंकना नहीं है, इसके छिलकों को फाइबर के साथ आपको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद आपको इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है, जैसे जब घर में टीवी के सामने बैठे हैं तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें। अभी धूप बहुत अच्छी है, आप इसको छाया में सुखा दीजिए। जब ये सूख जाएगा, इस समय तो पोल्यूशन भी नहीं है, बहुत अच्छा टाइम है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर आप इसको अखबार के ऊपर करके पूरी तरह से बिछा दीजिए। इसके बाद आपको इसको सुखा लेना है, लगभग 5 से 6 दिन लगते हैं आगे पीछे की तरफ से कर ये सूख जाता है। इसको ग्राइंडर में, जैसे आप गरम मसाला पीसते हैं घर में, इसको पीस के पाउडर बना लीजिए। ये थ्रू आउट स्किन पर अगर आप लगा सकते हैं, बॉडी पर, फेस पर, तो ये आपके फेस पर कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ने देता, ये आपको खूबसूरत बनाए रखना है। इसके साथ साथ जब आप संतरा खाते हैं तो पूरी स्लाइस में से एक स्लाइस अपने लिए निकाल लिया करें। अगर आप आधे घंटे के लिए संतरे को इस तरीके से पील कर इसका जो फाइबर है, इसको अपने चेहरे पर अच्छे से मलते हैं, तो ये आपके स्किन के अंदर तक जाता है, उसको नरिश करता है, उसको खूबसूरत बनाता है। जो छोटे छोटे दाग होते हैं ना चेहरे पर, वो भी निकल जाते हैं, तो इतना काम का होता है ये संतरा। जब आप केला खाते हैं और केले के जो छिलके बचते हैं, इस छिलके को भी आप अगर सुखाकर अपनी बॉडी पे यूज़ करते हैं तो ये बहुत फ़ायदा देता है। अदर देन दैट, इतना सा केला आप ले लें, अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है, फट रही है, स्किन पर काले काले ब्लैक पैचेस हैं, तो बनाना के अंदर आप थोड़ा सा आप चावल का आटा भी मिला सकते हैं, आप बनाना के अंदर बेसन भी मिला सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मैश कर इसमें थोड़ा सा आप शहद डाल दीजिए। केला जो है ये स्किन को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, और शहद भी वही काम करता है।
और जो बेसन होता है ये स्किन की ऊपर की जो टैनिंग होती है, जो ड्राई फ्लेक्स होता है उसको निकाल देता है। तो जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन पर और बाल बांधकर आप 15-20 मिनट के लिए चेहरे पर लगाकर छोड़ दीजिए, आपको लगेगा आपकी स्किन नेचुरली इतनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। यू विल फील सो हैप्पी, आप इतने खुश होंगे अपनी स्किन को देखकर। इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके डार्क सर्कल्स को हटा सकते हैं, इस बारे में भी मैं आपसे बात करने वाली हूँ। और चीज़ें हैं जो बहुत काम की हैं, जिसको हम घर में आम तौर पे यूज़ करते हैं, मतलब ये दो वो चीज़ें हैं जो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे घर में नहीं है, टमाटर और आलू। टमाटर जो है आपकी स्किन के जो बड़े बड़े पोर्स होते हैं, बड़े बड़े छेद होते हैं ना, कई बार मुंह पर ऐसे लगता है जैसे दाग 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 या बड़े बड़े पोर्स दिखते हैं, ये उसको बंद करता है। और आलू आपकी स्किन का नेचुरल ब्लीच का काम करता है। जी हाँ, इसको मजाक मत समझिए। आलू को आप छिलके, या मैं तो छिलके के साथ ही इस्तेमाल कर लेती हूँ, छिलके के साथ में इसको काट लीजिए, इसको कद्दूकस कर लीजिए अच्छे से धोकर, और इतने से हिस्से को कद्दूकस कर आप अपनी आँख पर पूरा डाल दीजिए इस एरिया पर। या आप आलू की स्लाइस काट कर भी आँख पर रख सकते हैं, जैसे खीरा रखते हैं, ये आपके डार्क सर्कल्स को ख़त्म कर देता है। और आलू के जूस को आप अपने चेहरे पर मलते जाइए, इसको लगातार 20 से 30 दिन तक यूज़ करें। आपके बाल अगर ब्लैक ब्लैक कलर के हैं स्किन पर, फेस पर, जो सॉफ्ट हेयर हैं, ये उनको धीरे धीरे ब्लीच कर देगा। तो आलू जो है ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह हमारे चेहरे पे काम करता है, आपको बहुत फ़ायदा देता है अगर आप इसका स्किन पे इस्तेमाल करते हैं। खीरा तो आपको पता ही है कि इस मौसम में खीरा हमारे स्किन में कितना अच्छा काम करता है, इसको आप खा भी सकते हैं। अदरवाइज खीरे को आप थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर पुदीने और या धनिया, दोनों चीज़ें ठंडी होती है, खीरा भी पुदीना भी और धनिया भी, तीनों चीज़ें आप पुदीने के साथ या धनिए के साथ, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, खीरे को छिलके के साथ कद्दूकस कर लीजिए या पीस लीजिए, इतना सा खीरा और इतना सा पुदीना। इसके बाद इसको आप आधा चम्मच दही में मिक्स कर चेहरे पर लगाइए, चेहरे में दाग धब्बे छोटी छोटी फुंसियाँ जो हैं ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी, आपका चेहरा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इसके अलावा हम कुछ चीज़ें और कर सकते हैं, जैसे पपीता। पपीता आपके स्टमक के लिए भी बहुत अच्छा है, कितना अच्छा काम करता है, लेकिन इसका स्किन पे कैसे इस्तेमाल करना है और इसके बीजों का हमें क्या करना है आपको ये भी बताऊंगी। तो पपीता भी जो है ये बहुत काम की चीज़ है। पपीते का छिलका आप निकाल देते हैं, इसका छिलका थोड़ा अगर मोटा निकालें और बाहर पक्षियों के लिए रख दें तो इस समय उनका खाना हो जाएगा। आपके घर के आसपास अगर बंदर रहते हैं तो बाहर की साइड पर अपने लॉन के यहाँ पे कोने में रख दिया तो जानवरों को खाना मिलेगा। अगर आपके आसपास गायें हैं तो वो बहुत शौक से पपीते का मोटा छिलका खाती हैं, आप पपीता थोड़ा कम काट लीजिएगा। अगर ये सब पॉसिबल नहीं है तो पपीते के छिलके की डीप लेयर निकालकर आप उसको चेहरे पर अच्छे से मसाज कर सकते हैं, यह आपके चेहरे को ग्लो कराता है इंस्टेंट। पपीते के बीज निकालिए और उन्हें एक दिन धूप में सुखा लीजिए। इसके बीज निकालकर अपने घर के आसपास किसी गार्डन में अगर डलवा देंगे तो बहुत सारे पेड़ उगेंगे। देखिए, बीजों को आप जितना अच्छे से इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर और बेनिफिशियल रहेगा। तो पपीते का एक एक पार्ट फायदेमंद होता है। आपको पता है पपीते के बीज को सुखाकर जो पाउडर बनता है ये आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए कितना स्ट्रांग होता है। जब डेंगू हो जाता है, लोगों को डेंगू होता है, तो पपीते के पेड़ के पत्तों का जूस पिलाया जाता है। पपीते के बीज जो हैं ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के काम करते हैं। तो पपीते का इतना इतना हिस्सा भी आपके लिए बेनिफिशियल है। इस समय पर चीज़ों की कद्र कर अगर हम उनको यूज़ करें, उनका अच्छे से बेनिफिट उठाएं, तो कितना ज़्यादा हम ग्रीनरी स्प्रेड कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा हम अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं। इसी तरीके से आप टमाटर को भी यूज़ कर सकते हैं। कहाँ गया मेरा टमाटर? ये रहा टमाटर। को जब आप पीसते हैं तो इसकी इसके जो अंदर के बीज हैं, इसके आसपास की जो स्किन होती है, बीज के आसपास की स्किन, इसमें विटामिन ई बहुत भरपूर होता है, ये आपकी स्किन के लिए अच्छा काम करते हैं। लेकिन बीजों को अगर आप खाने में बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आगे जाकर उससे स्टोन की दिक्कत भी होती है। तो कभी कभी बीज को निकाल लिया करें, इन बीजों को सुखाकर अपने घर में छोटे छोटे पौधों में डाल देंगे तो बेबी टमाटोज आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप टमाटर के छिलके को अपने चेहरे पे मलेंगे तो थोड़ी देर आपको इरिटेशन होगी, लेकिन आपकी स्किन के लिए डी टैनिंग का काम करेगा टमाटर। तो आपके घर में ये छोटी छोटी चीजें आपकी स्किन के लिए इतना बेनिफिशियल काम करती हैं। बहुत ही अच्छा टॉनिक वाटर बनाना सिखाती हूँ, जिससे आपके पेट को बहुत आराम मिलेगा। जैसे आपके घर में पानी की बॉटल्स होती हैं, ऐसे आप बड़े वाले पानी के जार भी ले सकती हैं या बड़े मुंह वाली पानी की बॉटल ले लीजिए। इसमें आप खीरे की स्लाइस करके डाल दीजिए, धोकर अच्छे से, ऐसे साबुत खीरे की स्लाइस और थोड़े से पुदीने के पत्ते।
तो ये पानी के अंदर एक रिफ्रेशमेंट स्मेल देगा। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपका ज्यादा पीने का मन करेगा। और खीरे को अगर आप 4 घंटे के लिए पानी में रख देते हैं पुदीने के साथ में, तो इसका सारा जो फायदा है, इसका सारा जो सार है वो पानी में निकल आएगा। तो आपकी आप पानी तो पी रही है डिटॉक्स करने के लिए, आपकी बॉडी को और ज्यादा डिटॉक्स करेगा, अंदर की हीट को खत्म करेगा, जो छोटे छोटे पित्त जैसे दाने, इरिटेशन, गर्मी, खारिश होती है, इस प्रॉब्लम को खत्म करेगा। और पुदीना भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। तो आप पानी के अंदर भी खीरे को डालकर इस तरह से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप संतरे को आधा काट दीजिए छिलके के साथ ही, और इसको भी एक बड़े जार के अंदर पानी डालकर भरकर संतरे को डालकर ढककर रख दीजिए। इसके बाद आपको इसके साथ सब नींबू की भी बड़ी बड़ी स्लाइस कर छिलके के साथ, सब चीज छिलके के साथ डाल दीजिए। फिर इस पानी को आपको छान कर ठंडा कर इसको पीना है, उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये पानी आपके लिए विटामिन सी का काम करेगा, आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन के ग्लो के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो सिर्फ संतरे के छिलके या नींबू निचोड़कर भी जो छिलके बचते हैं उसको भी पानी में डालकर 4 घंटे के लिए छोड़कर उस पानी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन को विटामिन सी मिलता है। नींबू और संतरे के छिलकों में इतनी ताकत होती है। मुझे उम्मीद है आप घर में ब्रेड जरूर खाते होंगे, और ब्रेड का जो ये मोटा वाला स्लाइस होता है इसको कोई खाना नहीं चाहता क्योंकि ये थिक लगता है। तो मुझे नहीं पता आप इसका क्या करते हैं, यहाँ कई बार ब्रेड पड़ी पड़ी सूख जाती है और हमको लगता है अब इसका क्या करें, इसको फेंकना पड़ेगा। इसको फेंकिए मत। ब्रेड सूख जाए या मोटी वाली साइड हो जिसको आप नहीं खाते, इसको 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। जब आप ब्रेड को टुकड़े टुकड़े में तोड़ के माइक्रोवेव कर लेंगे, बाहर निकालेंगे, तो उसके बाद ब्रेड जो है वो बिल्कुल कड़क पत्थर जैसी हो जाएगी। फिर इस ब्रेड को आप हल्का सा रोटेट कर लीजिए मिक्सी में, तो बिल्कुल छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। इस ब्रेड क्रम को आप अपनी स्किन पर स्क्रब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें दही मिलाकर या फिर इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पानी के साथ में। अदरवाइज आप इस ब्रेड क्रम्स को पकौड़े बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। आपने आलू का या मिर्ची का पकौड़ा बनाया, कोई भी पकौड़ा बनाया, वड़ा बनाया, उसमें ये ब्रेड क्रम के पाउडर को आपने रोल किया और फिर किसी भी चीज को फ्राई किया, आप भिंडी को भी ऐसे बना सकते हैं, तो भिंडी एकदम कुरकुरी भिंडी बनेगी, पकौड़े एकदम कुरकुरे बनेंगे। तो ब्रेड के एक पीस को भी आप जाया ना जाने दें, नो वेस्टेज इस चीज का प्रॉमिस करें। जितने बीज निकले उनको आसपास में पौधों में, गमलों में, गार्डन में डलवा दें थोड़ा सा सुखाने के बाद, ताकि आपके जरिए ग्रीनरी स्प्रेड हो और आपके बच्चों को भी समझ में आए कि जीरो वेस्टेज पर कैसे हमें जीना चाहिए। मैं आपको लगातार घर की चीजों का कैसे इस्तेमाल करना है, स्किन का कैसे ख्याल रखना है ये बताती रही हूँ, आपको बहुत सारी चीजें और भी दिखाती रही हूँ। अब मैं आपको लगातार अपने घर पर आपको अपनी बॉडी का कैसे ख्याल रखना है, अगर जगह कम भी है तो भी कैसे एक्सरसाइज करनी है, कैसे किचन में खड़े होकर भी आप अपनी फिटनेस का ख्याल रख सकते हैं, कैसे आसपास छोटे छोटे पौधे लगाकर आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो मैं घर में कर रही हूँ, कौन सी किताबें पढ़ रही हूँ, क्या देख रही हूँ, ये सब आपके साथ शेयर करूंगी। मैं चाह रही हूँ जैसे मैं इवॉल्व कर रही हूँ आप भी करें। तो मेरे साथ लगातार बने रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। साकार करें सपने अपने।